बिहार बोर्ड से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार बोर्ड ने एक विज्ञापन को जारी कर दिया गया और वहां पर विज्ञापन में लिखा गया बड़ी खबर इस तरह से आपका होगा रजिस्ट्रेशन। यानी अभी जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका रजिस्ट्रेशन इस तरह से होगा और आज से ये रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया। आप अपने स्कूल कॉलेज में जाकर उसका पता लगा सकते हैं, आप जो भी स्कूल से हैं उसका मैट्रिक परीक्षा 2022। दोस्तों ये कोई फेक न्यूज नहीं है, 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र के लिए ये है। जो बच्चे अभी 9वीं वर्ग में पढ़ रहे हैं, यानी 9वीं क्लास में जो अभी पढ़ रहे हैं, उनका अगले साल वो 10वीं वर्ग में चले जाएंगे और 10वीं वर्ग में जाने के बाद उनके अगले साल उनका एग्जाम होगा, यानी 2022 में उसका फाइनल एग्जाम 10th क्लास का होगा। तो उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गया है, बिहार बोर्ड की ओर से एक नया विज्ञापन जारी कर जाएगा, वो सारी इस विज्ञापन में मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा तो फिर समझ पाइएगा आपको कैसे ये रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे करवाना है, और उस रजिस्ट्रेशन करवाने में आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना रुपया लगेगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यालय परीक्षा समिति पटना दिया गया जो आपके सामने है, और यहाँ पर विज्ञापन की संख्या नीचे दिया गया और 2020 लिखा गया, और यहाँ पर आप देखते हैं वार्षिक परीक्षा माध्यमिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले कक्षा 9वीं के नियमित अध्ययनरत स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय प्रधान के माध्यम से पंजीकरण अनुमति आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने के शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना यहाँ पर दिया गया। सो आप इसको पढ़ लें आसानी के। उसके बाद आपके नीचे इस तरह का दिया गया, आप देखते हैं एतद द्वारा माध्यमिक स्तर के मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान संबंधित छात्र छात्राओं अभिभावक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी घोषित किया जाता है आगामी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में के लिए राज्य में माध्यमिक स्तर शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के छात्र छात्राओं के लिए ये दिया गया, जिसमें राजकीय अल्पसंख्यक प्रोजेक्ट अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय इस तरह से ये सारे स्कूल के नाम है। माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा में नियमित अध्ययन करने वाले स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं को पंजीयन के लिए संबंधित विद्यालय का प्रधान द्वारा समिति के वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर दिया गया www.biharboard.online से दिनांक इतना से यानी 10/9/2020 से 28/9/2020 तक इस अवधि पंजीकरण की अनुमति दी गई है। अनुमति प्रपत्र वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको पंजीयन प्रपत्र दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया, और उसके नीचे भी दिया गया आप यहाँ पर देखते हैं फॉर द सेकेंडरी एग्जाम 2022 सीजन 21-20, यानी 2021 में जो 10वीं वर्ग के छात्र रहेंगे और उनका एग्जाम 2022 में होगा। तो इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है उस वीडियो को लास्ट में मैं बताऊँगा, उससे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं बताता हूँ और कितने रुपये लगेंगे। 9/9/2020 से लेकर 28/9/2020 तक अवधि यह रखा गया, और यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिया गया, आपको ये पढ़ लेना है। और यहाँ पर दिया गया परीक्षार्थियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए, अगर 10वीं वर्ग के आप छात्र होते हैं 2021 में जाकर तो आपकी उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और छात्र छात्राओं को आवेदन स्वीकृत किया जाएगा कब, जब आपका उम्र 14 वर्ष से कम होता है। सो यहाँ 2022 में अगर परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं मैट्रिक क्लास में तो आपकी न्यूनतम उम्र यानी कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए, अगर 14 वर्ष से कम होता है तो आप इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, वहाँ से आपका रुपया भी रिटर्न नहीं किया जाता जिसमें आप रजिस्ट्रेशन में जो भी रुपया आपका लगता है। शुल्क की यहाँ बात करते हैं तो पंजीयन अनुमति आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से आपका अगर नियमित कोटि के लिए छात्र हैं तो आपको 220 रुपया लगेगा, स्वतंत्र कोटि के लिए छात्र हैं तो आपको 320 रुपया लगेगा, जो आपको स्कूल कॉलेज में जाकर ये रुपया जमा करना पड़ेगा। और वो शुल्क कहाँ किस तरह के लगता है वो सारी जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो आप बात कर लेते हैं आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व सूचना कागज को तैयार रखना होगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन भरते हैं तो ये आप ऑनलाइन आवेदन आप नहीं भरेगा, आपका स्कूल कॉलेज के द्वारा ये ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। तो उसमें आपको ईमेल आईडी लगेगा, आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर लगेगा, उसके बाद छात्र छात्राओं का जो भी एक रंगीन फोटो लगेगा, उसके बाद आपको नीचे दिखाएंगे तो आपका एक हस्ताक्षर यानी JPG का सिग्नेचर जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों इस फॉर्म को आपको कैसे भरना वो सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर इससे संबंधित आपको कोई भी परेशानी कठिनाई आ रही है तो हमें वीडियो को कमेंट में ज़रूर पूछे सवाल, और इस तरह का आप हर रोज़ वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ।